ए मारो खर्चो साहेब पूरे मारो खर्चो, अरे यो मालिक पूरे वहां का नाम पर रहता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता, ए मेरा टिकट क्यों लेता, साहेब पूरे मैं वहां का नाम पर रहता, अरे बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता। और आगे कहीं फरमावे खमा बाबूजी हो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीन गुण है ये सतोगुण है ये रजोगुण है और ये नीचे पैरों को तमोगुण माना है। अरे तीन गुण आ रहा अरे डब्बा वाला आया मन का इंजन जोता हे मन का इंजन जोता अभी शरीर रूपी इस रेल का ड्राइवर इंजन है और जिस दिन यानी जो ड्राइवर जो है यो मन है और जिस दिन ये मन ड्राइवर हट के आत्मा ड्राइवर हो जाएगी तो फिर कहते हैं परमात्मा परम आत्मा। तीन गुणारा डब्बा बनाया मन का इंजन जोता फिर अरे काम क्रोह दराव फूक्या कोयला काम क्रोह दराव फूक्या कोयला अनी मैं चेतन सिटी देता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता हे मेरा टिकट क्यों लेता ए मारो खर्चो साहेब पूरे मारो खर्चो मालिक पूरे ओ मां का नाम पेरता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता हे मेरा टिकट क्यों लेता। देखिए ये सौदा प्रेम बिन पावे नहीं बल हुनर करे हजार। कितने भी हुनर कर लो अगर प्रेम नहीं है तो अपने भीतर जो परमात्मा बैठे हुए हैं भीतर जो तत्व रू उर्दू अल्फाज में कहते हैं रू गू रू गू यानी अंधकार रू यानी प्रकाश रू यानी आत्मा उर्दू अल्फाज में रू आत्मा को कहते हैं अंदर जो बैठा हुआ है अगर प्रेम नहीं करेंगे प्रेम को समझेंगे नहीं। भगवान प्रेम में है खींचातान में नहीं है। हेरिया बाबूजी चतर सिंह जी लिखियो हेरिया सुवो नी मले हेरिया सुवो नी मले ने खोशा खेचा तान हेल मेल रे माय ने उदा अलक पछान। सेल मेल में मिले मारो ठाकुर प्रेम में मिले। अगर जिस दिन प्रेम जागृत हो गया मीरा जैसा जिस दिन प्रेम जागृत हो गया कर्मा जैसा उस दिन भगवान अपने हाथ का भी कीचड़ा खा लेंगे।
क्योंकि आजकल भाई भाई में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं। दो मित्र रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। एक मित्र पूछो का भाई थूका रोई रो जो के मुंह अनिवास से रोई रू के मारे घर वाली पीर जयरी अनिवास से रोई रू। कितना प्रेम होगा उस पति पत्नी के, पांच दिन के लिए वो पीर जा रही है जो उसके आंसू आ रहे हैं। दूसरे को कहा भाई तू क्यों रो रहा है कि मारी घरवाली आज पांच सात दिन आई रही है, रोई रू कांग मारे साथी रे बाना बांधना पड़ी मने। ये कौन सा प्रेम, दो कोड़ी का प्रेम? अरे प्रेम करना सीखे राम जानकी से, रघुनाथ जी जानकी जी से, पंचवटी में ठाकुर जी और मां जानकी विराजमान है। प्रभु श्री राम मां जानकी विराजमान है और उस वाटिका में एक वृक्ष है, उसमें एक लता छाई हुई है। तो जानकी कह रही है कि प्रभु देखिए इस वृक्ष का कितना अच्छा भाग्य है जिसके ऊपर ये लता छा रही है। यानी जानकी कह रही है प्रभु आपका हो भाग्य जो मेरे जैसी पतिव्रता स्त्री आपको मिली है उस वृक्ष और लता के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं जानकी ऐसा नहीं, इस लता का भाग्य बड़ा है इसलिए इसको ये वृक्ष का सहारा मिला। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इतने में लखनलाल जी आगे फूल लेकर के, फल फूल लेकर के। लखन को कहा लखन तू न्याय दे कि प्रभु ऐसे पचड़े में मुझे मत डालो, आप दोनों पति पत्नी बात करते रहोगे। नहीं भैया तू योगी है, तू त्यागी है, तू न्याय कर। के प्रभु आप नाराज नहीं होंगे कि नहीं, के माँ आप के नहीं, के सुनो नहीं तो ये वृक्ष भाग्यशाली है ना ही ये लता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो ये लखन है जिन दोनों की छाओं में बैठा है। दोनों को निरुत्तर कर दिया, इसे कहते हैं प्रेम। द गॉड इज नॉट कम टू वी कॉल, क्या बात है, द गॉड इज नॉट कम टू वी कॉल बट कम इज लव। जिस दिन अपन प्रेम कर लेंगे उस दिन परमात्मा दौड़े दौड़े आएंगे। अरे तीन गुणा रा डब्बा बनाया मन का इंजन जोता, ए मन का इंजन जोता, अरे तीन गुणा रा डब्बा बनाया मन का इंजन जोता, ए मन का इंजन जोता, ये काम क्रोध राव भूखा कोयला, काम क्रोध राव भूखा कोयला, कोयला वो कोयला वो कोयला वो कोयला